मुरादाबाद के मुगलपुरा थाना क्षेत्र में उस वक्त तफरी मच गई जब अचानक एक घर की छत से आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। अचानक घर में लगी आग से आस पड़ोस के लोग भी सकते में आ गए। पड़ोसियों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने क्षेत्रवासियों की मदद से आग बुझाने की भरसक कोशिश की, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। पुलिस द्वारा फायर ब्रिगेड की टीम को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम कुछ ही समय में मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्षेत्रीय पुलिस का कहना है कि घटना की जानकारी घटनास्थल के करीब रहने वाले असलम द्वारा दी गई थी। वहीं गृह स्वामी खुर्शीद आलम का कहना था कि घटना के वक्त घर में कोई नहीं था, घर के सभी लोग शादी में गए हुए थे। गृह स्वामी का कहना है कि आग लगने की घटना से लगभग 6 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। गनीमत यह रही कि घटना में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। मेरा नाम है खुर्शीद आलम। खुर्शीद, क्या हुआ बताइए। अचानक घर में आग लगी, मतलब मस्जिद में सब लोग शादी में गए थे, बच्चे सब सारे चारों लड़की है, तीन लड़की है घर में, बच्चे सब वहाँ गए थे। अचानक 10 मिनट पहले मैं मस्जिद में से वहाँ आया था, घर से मस्जिद में बैठने की थी, उसके बाद 10 मिनट बाद आवाज़ आ गई तो पारे घर में आग लग गई। कैसे लगी, क्या लगा, घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी, एक सेबल जल रही थी, 5 बाल्टी बस। कितना नुकसान हुआ है? करीबन 3-6 लाख रुपये गैस था। अच्छा, कोई जनहानि हुई है? हाँ ना, जान लो गैस था, कपड़े नत्ते सब जल गए। इस कारण लगी कुछ पता है? कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अभी आप यहाँ पहुँचे, क्या पूरा मामला है? ये काफी देर पहले की घटना है, ये खुर्शीद है खोकरान मोहल्ले में। इसी मोहल्ले के असलम नाम के लड़के ने मुझे सूचना दी, मैं तभी मौके पर पहुंचा। काफी आगों की लपटें थी और फिर असलम ने और हमने मिलकर एक सिलेंडर जो वहां रखा था, सब लोग ये कहते कि सिलेंडर निकालो निकालो, तो हम लोगों ने दोनों जी मिलकर सिलेंडर बाहर निकाला। उसके बाद उसी टाइम जब सूचना मिली थी, कंट्रोल रूम को सूचना दे दी थी, फायर ब्रिगेड को, फायर ब्रिगेड वाले भी आए मौके पर, सबने मिलकर, इंस्पेक्टर साहब भी थे हमारे, सबने मिलकर आग पर काबू पाया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि असलम और उसका परिवार जो खोकरान में इसी के मोहल्ले के बराबर में रहता है, पूरे मोहल्ले वालों ने बाल्टियों से सबने मिलकर आग बुझाई, फायर ब्रिगेड ने भी आग बुझाई। सर, ये पता है किस कारण लगी आग? आग का ये कोई पता नहीं लग पाया क्योंकि काफी लपटें थी आग की बहुत ज्यादा। जानकारी के अंदर कोई नुकसान का बताया गया? जान माल का कोई घर में रहता नहीं था और उसमें कुछ सामान था, जैसे फ्रिज था, अलमारी वगैरह थी, कड़ियों में आग लगी थी, वो नुकसान हुआ, वैसे कोई जनहानि ऐसी नहीं हुई। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में आई सर? फायर ब्रिगेड वाली जैसे हमने सुना थी 5-6 मिनट के बाद ही गाड़ी आ गई। ठीक है।